गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 5 जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास। तो देखिए आप, इसके अंदर जो आज हम बात करने जाएंगे वो देखते हैं प्रवास। प्रवास क्या होता है, प्रवास होता क्या है, प्रवास यानी किसी जगह की ओर पलायन होना। वो पलायन दीर्घकाल हो सकता है, अल्पकाल हो सकता है, दैनिक हो सकता है, किसी प्रकार से हो सकता है और इस तरह के तौर पर बसने का भी हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रक्रिया होती है, इसको कहते हैं हम प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर और पलायन करना, जो अल्पकाल या दीर्घकाल हो सकता है। यानी प्रवास मानव समुदाय का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करना, जो अल्पकाल या दीर्घकाल हो सकता है, प्रवास कहलाता है। देखिए हम कि प्रवास कई कारणों से होता है, कारण भी होते हैं इसके। एक व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर क्यों जा रहा है, किस कारण से वो जा रहा है, तो वो भी इसके कारण होते हैं, किसी व्यक्ति को उस जगह को छोड़ने के और किसी और जगह पे आने के उसके भी कारण होते हैं कि वो नई जगह पे क्यों आ रहा है, ऐसा क्या उसने देखा उस जगह में जिस वजह से वो नई जगह की ओर अप्लाई कर रहा है। तो ये सारे जो कारण हैं, ये सारे कारण हम इसी प्रवास के अंदर उनका अध्ययन करेंगे। क्योंकि लंबे समय से हमने देखा कि प्राचीन इतिहास में देखा मानव का, जब आदि मानव भी एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाता था तो उसका कारण यह होता था कि वो अपनी उदर पूर्ति या भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। वो भी प्लान कर रहा, कुछ समय के लिए करता हो, लेकिन वो प्लान उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह की ओर जाता था। यहां पर कि वर्तमान के दौर में मनुष्य ने प्लान करने के लिए उसके पास बहुत सारे रीजन आ गए, बहुत सारे कारण खड़े हो गए उसके पास। तो कौन कौन से कारण है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रवास होता कितने प्रकार का प्रवास होता है। तो इसके भेद, दो भेद हैं प्रवास के। प्रवास अप्रवास, एक उत्प्रवास है और दूसरा अप्रवास। अब आप देखें कि उत्प्रवास क्या है और अप्रवास क्या है। सिंपल तरीके से अगर इसको समझे तो इसके नाम के अंदर ही इसका मतलब या अर्थ पता लग सकता है। या कह सकते हैं आ का मतलब किसी जगह पे आना, आ का मतलब किसी जगह पे आना यानी इन, ठीक है। और उत का मतलब
जाना, उस जगह से दूसरी जगह की ओर जाना, इसको बोलते हैं उत। तो प्रवास तो प्रवास हो गया, उत प्रवास अप्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करना। पर्टिकुलर हम कह सकते हैं इस प्रकार से, एक जगह है, इस जगह से इस और प्लान किया गया है, और इस जगह से इस और प्लान किया गया है। क्लियर? ये जगह है, ये प्लेस है, इस प्लेस से एक व्यक्ति, इस जगह से एक व्यक्ति इस जगह से, समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति इस ओर पलायन कर रहा है, ये व्यक्ति इस ओर पलायन कर रहा है। तो जो व्यक्ति यहां से यहां पलायन कर रहा है वह व्यक्ति उत्त प्रवास कर रहा है यहां से, इसका क्या हो रहा है, उत्त प्रवास, यानी यहां से उत्त प्रवास हो रहा है इसका, इस जगह से कोई जगह की ओर पलायन कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति इस जगह से यहां आ रहा है, तो यहां जो व्यक्ति आ रहा है तो यहां पर उसका यह हो रहा है अप्रवास। यानी इस जगह के लिए चूंकि व्यक्ति यहां से यहां आ रहा है और ये व्यक्ति यहां से यहां जा रहा है, तो यहां से जो यहां जा रहा है वो तो आपका हो गया अप्रवास, और जो व्यक्ति यहां से यहां आ रहा है तो यहां पर इस जगह के लिए व्यक्ति हो गया अप्रवास, और ये आपका हो गया उत्प्रवास। क्लियर? ये उत्प्रवास है और ये अप्रवास। अब इस व्यक्ति ने इस जगह की ओर प्लान और ये व्यक्ति इस जगह से यहां पर क्यों आया, दोनों के लिए क्षेत्र तो एक ही है लेकिन दोनों के लिए कारण अलग अलग हो सकते हैं। क्षेत्र तो एक ही है, रीजन तो एक ही है लेकिन कारण दोनों के लिए अलग है। ये व्यक्ति यहां से इस जगह पर जाने के लिए मजबूर क्यों हुआ और ये व्यक्ति इस जगह पे क्यों आ रहा है, ऐसा उसने क्या देखा, क्षेत्र ऐसा क्यों आपका क्षेत्र हुआ। तो देखिए आप कि इसके रीजन बहुत सारे हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी शिक्षा के लिए, क्या पता यहां अच्छी शिक्षा हो, यहां पे अच्छी शिक्षा हो तो एक व्यक्ति अच्छी शिक्षा के लिए जगह से इस जगह को प्लान कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति यहां से जा रहा है तो जरूरी नहीं है उसकी अगर शिक्षा पूर्ण हो गई है वह व्यक्ति रोजगार के क्लास में जा सकता है, वह व्यक्ति रोजगार के क्लास में यहां पे जा सकता है। दोनों व्यक्तियों के एक ही जगह से उठने और दूसरी जगह पे आने के लिए कारण अलग अलग है, सेम कारण पे दोनों नहीं आ रहे, कारण अलग अलग है। यह भी हो सकता कि ये प्लान इस वजह से हो रहा है इसका, क्या पता ये लड़की है और इसकी शादी होगी इस जगह, तो इसमें इसका यहाँ पे इसका प्लान हो गया है, और इसका प्लान इसलिए हो रहा है कि ये लड़की इसकी शादी इस जगह पे हुई है तब उसका प्लान हुआ। और भी कारण हो सकते, राजनीतिक कारण हो सकते, इसके आगे भी हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत से कारण जिन कारणों की वजह से एक व्यक्ति अपनी जगह छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है और दूसरा व्यक्ति उस जगह पे आने के लिए आकर्षित हो रहा है। तो ये इसकी कारण स्थानांतरण की कारण क्या रहते हैं, उसमें दो बेसिस हैं, एक उत्प्रवास और दूसरा आपका अप्रवास। अब उत्प्रवास और अप्रवास जो है वह जनसंख्या स्थानांतरण को प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कारक ऐसे हैं जिससे हम कह सकते हैं जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो रही है। क्लियर? अब हम इसके पढ़ रहे हैं पक्ष, इस मानव प्रवास के पक्ष, पक्ष कौन से हैं? तो देखिए आपके
प्रवास के पक्ष है। फर्स्ट पक्ष का मतलब वे सारे कारण जो कारण किसी न किसी वजह से खड़े होते हैं, उन कारणों की वजह से व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह प्लान करता है। तो वे जो कारण है उन कारणों को हमने कैटेगरी वाइज कर दिया है। उसमें पहला आपका आ रहा है देश या क्षेत्र पक्ष, दूसरा आपका काल पक्ष, तीसरा संख्या पक्ष, चौथा कारण पक्ष, पांचवा आपका स्थिरता पक्ष। इस प्रकार से लिखा जा रहा है कि ये जो प्रवास है ये प्रवास इन इन कारणों के कारण एक जगह से दूसरी जगह पे होता है। तो देश पक्ष में देखिए आप जैसे अंतर्वादी पे दो माध्यमों के बीच प्रवास होना, प्रवास दो माध्यमों के बीच कई कारणों से भी रहा है, यूरोप से अफ्रीका, यूरोप से अमेरिका, यूरोप से एशिया, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से उस समय वो जो कारण थे वे कारण अंतर्वादी के कारण कह रहे हैं, कारणों में से व्यक्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्लान किया। अब यूरोप से क्यों प्लान किया, संसाधनों की कमी नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है जहां संसाधन अधिक थे कुछ और लोग माइग्रेट होकर प्लान कर गए। फिर अंतर्राष्ट्रीय दो देशों के बीच जो प्लान होता है वो अंतर्राष्ट्रीय प्लान एक या दो देशों के बीच में, एक से अनेक देशों के बीच में, ये जो प्लान है ये प्लान दो राष्ट्रों के बीच का प्लान है। व्यक्ति इसके पीछे उसके बहुत से ये सारे कारक है, कारक उसके पीछे कार्य कर रहे हैं। फिर अंतर्देशीय ठीक है, देश के अंदर प्लान हो रहा, एक जगह से दूसरे जगह चले गए, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, स्थानीय एक गांव से दूसरे गांव, नगरों से गांव के और गांव से नगरों के, तो ये भी एक प्रारूप है जिसके माध्यम से प्लान होता है। उसे काल पक्ष, अब काल पक्ष का मतलब कि प्लान जो हो रहा है वो कितने समय के लिए हो रहा है, कम समय के लिए हो रहा है, अधिक समय के लिए हो रहा है। जैसे दीर्घकालीन यानी यहां से प्लान करके गया और लंबे टाइम तक नहीं करके बस गया तो उसका प्लान दीर्घकालीन प्लान हो गया। दूसरा सामयिक, जैसे हम मौसमी प्लान भी कह सकते हैं कि गर्मी की ऋतु आ गई तो हम हिल स्टेशनों की ओर चले गए, उच्च स्थान हाई हिल स्टेशन उसकी ओर हम चले गए, 10 दिन रहे, 20 दिन रहे और आराम से वापस आ गए। तो समय को मौसम के हिसाब से प्लान होता है। फिर दैनिक, दैनिक का मतलब डेली, व्यक्ति रोजगार के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह प्लान करता है, सुबह जाता है शाम को वापस आ जाता है, तो ये उसका डेली या दैनिक प्लान हो गया। तो ये तो हुआ उसके काल पक्ष, यानी जो व्यक्ति प्लान करता है वो प्लान किस प्रकार से करता है, कम अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए, तो इस प्रकार से ये प्लान का एक प्रारूप हो गया। फिर अगला आपका आता है संख्या पक्ष। देखिए संख्या पक्ष में जो प्लान हो रहा है वो किस स्केल पे हो रहा है, कितनी आबादी के साथ प्लान हो रहा है। जैसे 2000 लोगों का प्लान एक साथ हुआ यानी उन 2000 लोगों को उस जगह से सेम प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, जिस वजह से मास मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे बड़े स्तर पर प्लान हो रहा है, तो वो वृद्ध संख्या का प्लान कहलाता है संख्या पक्ष के हिसाब से। मध्यम उससे थोड़े कम और अल्प बहुत ही कम, घर के 4 मेंबर चले गए बाहर कमाने के लिए, विदेश चले गए, दूसरे देशों में चले गए, दूसरे राज्यों में चले गए, दूसरी जगहों पर चले गए, अल्पसंख्यक 4-5 परिवार एक साथ निकलेंगे, मध्यम संख्या, बहुत भारी मात्रा में आबादी निकलेगी एक जगह से दूसरी जगह पे, कारण मौसम हो सकता है, प्राकृतिक कारण हो सकता है, बाढ़ आ गई, वो आ गया, ये सारे ऐसे कारण एक जगह से दूसरी जगह उसको प्लान करना पड़ता है। फिर बात होती है कारण पक्ष, अब किस कारण से प्लान होगा, हमने ये तो देख लिया कि प्लान में जो प्रॉब्लम है एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये चीजें तो इसके अंदर आ गई। फिर कारण पक्ष जो प्लान हुआ है एशिया से यूरोप चले गए लोग, प्लान कितना के लिए हुआ, दीर्घकाल के लिए हुआ, सामयिक के लिए हुआ या दैनिक हुआ, ठीक है, ये तो उसका काल पक्ष हुआ है उसकी अवधि। फिर संख्या, कितनी संख्या में लोग हैं वो सारा इससे आ गया। अब आता है कारण पक्ष, ये इंपॉर्टेंट है कि किस कारण से गए, जहां गए
वहां ऐसा क्या कारण है कि लोग यहां से वहां गए, वहां आकर्षित हुए, अप्रवास हुआ होगा, क्यों? तो वे जो कारण है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हम यहां देख सकते हैं कि प्राकृतिक या भौतिक, किसी जगह बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो ये ऐसे कारक है जिन कारक में वहां जिस जगह ये घटना घटित हुई है वहां पे जो आबादी रह रही है उसके ऊपर बड़े स्तर पर उसका प्रभाव पड़ता है और बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह की ओर माइग्रेट होते हैं, प्लान करते हैं। तो वे कारक के अंदर काउंट किए जाते हैं प्राकृतिक या भौतिक कारकों के। फिर बात करते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में सबसे बड़ा मुद्दा भी है, वह है रोजगार। अगर रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो नवयुवक है, युवा है, नौजवान है, वो उस जगह नहीं रहेगा, वो दूसरी जगह जहां रोजगार है उस ओर जाएगा। तो ये कारक आपका हुआ आर्थिक कारक, यानी उसको प्रवास के लिए प्रेरित करने वाला कारक यही है कि जो उसको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप यहां नहीं रहे, अब आप जहां रोजगार मिल रहा है, जहां उसकी दशाएं अच्छी है, उस ओर आप प्लान करें, मूवमेंट करें। फिर बात करते हैं राजनीतिक कारक। तो राजनीतिक कारक क्या है? तो राजनीतिक कारक वे कारक है जो किसी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष में राजनीति से प्रेरित होकर लोगों के लिए असुविधा के कारण बनते हैं, जैसे दंगे फसाद, गुंडागर्दी, सिस्टम का फेलियर होना, जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो अगर फेलियर हो गया है, अशांति हो गई है, असुरक्षा हो गई है, ये ऐसे भाव है जिन भावों के कारण एक व्यक्ति उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, वहां से वो पुश हो जाता है, वहां से वो निकलना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। तो कारक आपका राजनीतिक कारक होता है। फिर अगला आपका सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ये बहुत सारे कारक हैं इसके अंदर। इसके अंदर किसी समुदाय के लोग किसी जगह अपने समुदाय में रहना पसंद करते हैं, तो एक जगह से जहां वो कम आबादी में, उस जगह से वो ज्यादा आबादी की ओर प्रस्थान करेंगे, अपने समुदाय की ओर प्रस्थान करेंगे, वो एक सामाजिक कारक हो सकता है। सांस्कृतिक कारक, कुछ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए जहां उनका रोजगार है उस जगह से वे उस और प्रस्थान करते हैं, जो अब कार्य नहीं कर रहे हैं, अब वो क्रियाशील नहीं है, बुजुर्ग हो गए हैं, वे अपने अपने परिवार के बीच में जो काफी दूर रह रहा है उसके बीच में भी जाकर रहना चाहते हैं। तो ऐसे कारक आपके सामाजिक और सांस्कृतिक के अंदर आते हैं। अब बात होती है कि स्थिरता पक्ष, लास्ट पक्ष जो इसका है वो आपका है स्थिरता, यानी स्थिरता। अब आपने जो प्रवास किया है, आपने सारे ये सारे पावर है, ये प्रवास के सारे कारण है, किस किस फॉर्मेट में प्रवास किस किस प्रकार से हो रहा है। अगर बात करते हैं स्थिरता पक्ष से, मतलब कि व्यक्ति जो प्रवास कर रहा है वो क्या लंबे समय तक रहेगा, वो या कुछ समय के लिए रहेगा, वो सारे डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, इन कारकों के ऊपर। ये जो कारक है, इन कारकों के ऊपर से वो वहां से गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर जिस राजनीतिक कारक से प्रेरित होकर वो वहां से गया और जिस नई जगह पे गया है वहां पे वो सेटल हो गया, लेकिन वो उसका मन आज भी अपने मूल जिस जगह से वो आया उस जगह पे हो रहा है, तो क्या पता यहाँ जिस जगह से वो गया था उस जगह पे अगर राजनीतिक स्थिरता बन जाए, गुंडागर्दी शांति कायम हो जाए, ये सब गुंडागर्दी खत्म हो जाए, शांति कायम हो जाए, सिस्टम वापस रन करना शुरू करते हैं अच्छे से, तो क्या पता वो वापस आ सकता है। तो उसका जो प्रवास है वो डिपेंड करता है इन कारकों के ऊपर। ये कारक अगर उसके ठीक हो जाते हैं और वो अपने मूल वतन की ओर आना चाहता है तो कारक उसके अस्थायी और स्थायी होने की दशाएं प्रकट करेंगे। जैसे कि यहाँ से वो चला गया, जहां से गया है उससे जहां जिस जगह ने पहुंचा है उस जगह पे और ज्यादा उसको अच्छी दशाएं मिल रही है, रहने के लिए अनुकूल वातावरण मिल रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है, उसकी ये सारी जो समस्याएं हैं ये सारी समस्याएं वहां खत्म हो रही है, तो क्या पता वो लंबे समय तक स्थायी तौर पर बस सकता है। और अगर वह रोजगार के उद्देश्य से गया है तो जाहिर सी बात है जिस नई जगह पर वो गया है वहां अगर रोजगार है तब तक तो वो रहेगा, लेकिन रोजगार जैसे खत्म होगा तो वापस जगह की ओर आ जाएगा या फिर अन्य जगहों पर अप्लाई कर देगा। तो ये आपका स्थिरता पक्ष है कि वहां वो कितने टाइम तक टिकेगा, कितने टाइम तक रहेगा। इस प्रकार से हमने प्रवास के भेद पढ़ लिए, उत्प्रवास और अप्रवास। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रवास के पक्ष में आपका देश, क्षेत्र पक्ष, काल पक्ष, संख्या पक्ष, कारण पक्ष, स्थिरता पक्ष, यानी ये जो ऐसे कारक है जिसमें प्लान होता है, कितनी अवधि के लिए होता है, कितनी संख्या में होता है, किन कारणों के कारण होता है और
वो जो प्लान किया जा रहा है वो कितने समय के लिए है, रहेंगे या कम रहेंगे या लंबे समय तक रहेंगे, ये सारे आपके इसके पक्ष होते हैं, प्रवास के पक्ष होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं। फिर प्रवास तो क्लियर हो चुका है, प्रवास एक जगह से दूसरी जगह की ओर प्लान करना वही प्रवास कहलाता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये पे और हो गया। आगे हम प्रवास है उसके जो प्रकार है वो प्रकार पढ़ेंगे अगली क्लास में।